उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दून डिफेंस करियर द्वारा सैनिकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति पेश कर मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दून डिफेंस करियर प्वाइंट हर साल सैनिकों का सम्मान करता है, सेना में भर्ती होने के लिए बच्चों को प्रशिक्षण देता है, जो बहुत ही सराहनीय है। एक तो मैं सबसे पहले दून डिफेंस करियर पॉइंट का बहुत आभारी हूँ कि वो हर साल यहाँ पे एनडीए के लिए सीडीएस के लिए बच्चों को तैयार करते हैं और जितनी वीरांगनाएँ हैं चाहे हमारे पूरे देहरादून जिले के आज उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। मैं पिछली बार भी दून डिफेंस के कार्यक्रम में आया था और इस बार भी आप लोगों ने मुझे बुलाया है। बहुत अच्छा है कि आप लोग सेना में जो जो छात्र जाना चाहते हैं उनके यहाँ पे कोचिंग कराते हैं और काफ़ी बच्चों को हर साल यहाँ से वो सेना में एनडीए में निकालने के लिए प्रयास करते हैं। देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट।